दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे प्लम हेड, यानी कि जो लालसिरी कलसिरी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, प्लम हेड के नाम से इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगा प्लम हेड पैरोट। ये एक पैरोट श्रेणी का बर्ड है। आप इसको परचेज अगर करना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहें, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसको कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, कहाँ मिल जाता है आसानी से वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बता दूँगा, तो वीडियो पर बने रहें। मैं कन्हैया वेलकम करता हूं आपका पेट टेक एंड ट्रेवल में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। सबसे पहला बात मैं आपको बता देता हूं कि इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि इनको परचेज करना थोड़ा सा रोक लगाया गया है इंडिया में और इस पर बैन लगाया हुआ है, तो ये परचेज करना नहीं रखना नहीं रखना, एक दो पीस अगर आप रखते हैं तो कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते हैं। ये वाइल्ड के एनिमल है, इनको आप खुले में रहने दें। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ इसको बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और इसका मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ये एक मार्केट का ही वीडियो है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक मेल है, यानी कि दोनों जो आप देख रहे हैं दोनों ही मेल है, मेल फीमेल का डिफरेंस करना ये बहुत आसान है। मेल का जो हेड है वो रेड आपको दिखाई दे रहा होगा और जो फीमेल है उसका जो हेड होता है वो ब्लू टाइप में आपको दिखाई देगा, यानी कि हल्का ब्लू होगा, सीमेंट टाइप का कलर होगा, ग्रे कलर में वो आपको दिखाई देगा, और ये रेड पर्पल टाइप का जो है ये आपको मेल है। फीमेल से ज़्यादा सुंदर मेल दिखता है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और मेल का जो बॉडी होता है इसके फेदर के ऊपर दोनों साइड डॉटेड डॉटेड रेड कलर भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है बॉडी पे। और पूंछ जो होता है उनका, जो दुम होता है, जो टेल होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ये एक पैरोट फैमिली का बर्ड है, जैसे कि मदना पैरोट हो गया और आपका अलेक्जेंडर हो गया, रिंगनेक हो गया, इसी तरह से ये प्लम हेड पैरोट के नाम से इसको जानते हैं। आप नेट पर चाहें तो सर्च कर सकते हैं। खाने में इनको जो देना है, सबसे ज़्यादा ये जो खाना पसंद करते हैं वो जो है धान, धान यानी कि पैडी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद इनको जो खाने में पसंद है वो मूंग का दाल है, मूंग का दाल, रहर का दाल, चना का दाल, सारा जो दाल होता है उसको रात को फूलने के लिए डाल दें, उसके बाद आप उसको सुबह में डायरेक्ट दे सकते हैं, उसको भी ये खाना पसंद करते हैं। अगर वो नहीं खाते हैं तो आप इनको फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड में जो मिलता है वो यही खाना पसंद करते हैं और ये हमेशा उस तरह का ही भोजन खाते हैं जो कि ये वाइल्ड में खाते हैं। यानी कि मैं पूरा आपको डिटेल्स में बता दूं तो जैसे वो वाइल्ड में जो है कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अमरूद इनको इजीली मिल जाता है, अमरूद यानी गुआफा आप वो दे सकते हैं, आप इसको संतरा दे सकते हैं, आप इसको अंगूर दे सकते हैं, इस तरह के जो भी फल वगैरह वाइल्ड में मिल जाता है, यानी कि जो नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में मिल जाता है, वो आप इसको खाने में दे सकते हैं, पैडी दे सकते हैं। धान सबसे ज़्यादा मात्रा में ये खाना पसंद करते हैं। अगर आप इनको तीनों टाइम धान सिर्फ देंगे तो भी ये काफ़ी हेल्दी रहेंगे और फ्लाई वगैरह करते रहेंगे। रखने के लिए जो आइडियल साइज़ का केज है वो 1.5x1.5 का होना चाहिए, जिसमें कि ये फ्लाई कर सके। ये अभी भी जो मैंने रखा हुआ ये 1.5x1.5 का केज है, इसको आप देख लीजिए जो मैंने रखा है अभी ये 1.5x1.5 केज में आपको दिखाने के लिए। वैसे ये बड़े केज में थे जहाँ पर ये थे, तो इसके बाद मैंने इसे 1.5x1.5 केज में भी डाला है, फिर ये बड़े केज में वापस चले जाएंगे। दोनों मेल हैं, मेल फीमेल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और लड़ाई बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई नहीं करेंगे, 100% ये लड़ाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका जो मेंटेलिटी होता है ये फ्रीडम यानी कि अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ये झुंड में ही रहते हैं लेकिन अकेले रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। इस टाइप का ये बर्ड है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर बॉन्डिंग एक पर बन जाता है मेल फीमेल का तो फिर उनके ब्रीडिंग वगैरह भी आ जाता है और फिर उनका एग्रेसिव जो है वो भी ख़त्म हो जाता है एग्रेशन। खाने में पैडी देना है, पानी आपको नॉर्मल देना है। पैरोट को जिस तरह से भोजन देते हैं सारा भोजन आप इसको दे सकते हैं, ये आसानी से उसको खा लेंगे। सेब, अमरूद, केला, फल वगैरह जो भी होता है सब आप दे सकते हैं, और इसको कोई खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली आराम से रख सकते हैं। साइज़ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये एक छोटे टाइप के बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पैरोट, ग्रीन पैरोट होता है उससे भी इनका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा ही होता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आप बहुत देर से सुन रहे हैं मेरा ऑडियो वीडियो देख रहे हैं तो प्राइस ज़रूर आप जानना चाह रहे होंगे, तो प्राइस जो है इसका है 1600 से लेकर 2400-2500 रुपये तक मार्केट में होता है, कहीं कहीं ये 3000 से 3500-4000 तक का भी पेयर आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट में वैल्यू के हिसाब से इसका रेट होता है, जो मिनिमम प्राइस होता है वो 1500-1600 इस तरह से पेयर का मैं बता रहा हूँ, वो आपको अवेलेबल कहीं ना कहीं आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी का लिंक आपको मिलेगा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अपना नाम, नंबर, लोकेशन आप ज़रूर लिख दें ताकि मुझे आपको रिप्लाई करने में आसानी हो।
और आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मैसेज जो है मुझ तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू आता है, ये भी आप ध्यान रखें। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम दोनों पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज मुझ तक आ जाएगा। लिंक के थ्रू आपको करना है मैसेज, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को जरूर देखिए और मैसेज कीजिए और वीडियो पे बने रहिए। और एक मैं इंपॉर्टेंट खास बात इसमें बताने वाला हूँ, मेल या फीमेल में जो दोनों में जहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है वो मेल होता है। इसलिए अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं कहीं से तो मेल ज़रूर ले लें, और अगर पेयर लेना चाहते हैं तो मेल फीमेल ले सकते हैं या फिर आप दो मेल भी ले सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि मेल फीमेल का एग्रेसिव होने के बाद लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, वो चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। दो चार पाँच दिन रखने के बाद वो कभी कंट्रोल हो जाता है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, केज को जो साइज़ रखना है 1.5 से 2 फीट रखना है, खाने में क्या क्या देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेरा डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया प्लमहेड पैरोट का पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। रखने के लिए आप चाहें तो बड़ा केज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इनसे आप ब्रीड वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए आपको सीड्स वगैरह देना होगा, सनफ्लावर, कुसुम दाना, मोटा दाना, कंगनी, रेड मिलेट्स, ये सब वगैरह आपको देना होगा ब्रीडिंग पर्पज़ से। और आप सिर्फ ऐसे नॉर्मली रखना चाहते हैं तो पैडी धान वगैरह देकर भी आप इसे आसानी से रख सकते हैं। और ग्वावा, सबसे ज़्यादा ये फ्रूट्स में जो है ग्वावा खाना पसंद करते हैं और जो फूड है उसमें ये सबसे ज़्यादा धान को खाना पसंद करते हैं। और ये दोनों ही चीज़ काफ़ी आसानी से इंडियन वेदर में, इंडियन मार्केट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर इस बर्ड को रखना चाहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि चना वगैरह नहीं खाते हैं, चना बहुत कम खाते हैं, रेयर हो जाता है चना इनके लिए क्योंकि वाइल्ड में इनको चना शायद नहीं मिल पाता है। और वो बड़ा बड़ा चना जो हमारे पास होता है, काला चना यानी कि छोला जिसको बोलते हैं, उसको ये खाना पसंद नहीं करते हैं। जब भी लोग इस बर्ड्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये पैरोट टाइप का बर्ड है यानी कि चना को ज़रूर खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बर्ड चने को नहीं खाते हैं और ये धान को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बर्ड को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में आप सर्च करेंगे तो आपको शायद देखने को मिल जाए। इसका नाम प्लम हेड है, प्लम हेड नाम से आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। खाने पीने का मैंने बता दिया, इंडियन मार्केट में प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, केज का साइज़ जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, 1.5 से 2 फीट रखना है, 2 फीट से बड़ा भी रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन है ब्रीडिंग के हिसाब से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट जरूर करें। अगर आपको कोई भी बर्ड्स चाहिए, कोई भी बर्ड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट आप लिखें सबसे पहले कि आपको क्या चाहिए वो ज़रूर लिख दें, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, अपना लोकेशन, और मेरा जो लोकेशन वो भी मैं आपको साथ ही साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा लोकेशन जमशेदपुर झारखंड टाटा नगर का है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जमशेदपुर झारखंड टाटा नगर का मेरा लोकेशन है। अगर आप कोई भी बर्ड लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक आना होगा, डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। एक देखिए शानदार मेल आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का हेड होता है इसका, क्लोजअप वीडियो है ये ताकि आपको समझ में आए कि कितना सुंदर ये बर्ड दिखता है। क्लोजअप वीडियो है, देखिए बहुत ही शानदार, इसका रिंग गले के ऊपर एक रिंग भी आ चुका है। रिंग जो है वो 1.5 साल में आता है, और 1 से 1.5 साल में आ जाता है, और जो फीमेल है उसके ऊपर रिंग नहीं आता है, वो ब्लू कलर की होती है, ये रेड कलर का होता है। खाने में सबसे ज़्यादा इनको धान देना है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और जो पूरा बॉडी का इनका कलर है वो ग्रीन टाइप का होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिनको भी बर्ड लेना हो सके वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे फेसबुक आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।